ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम डलेगा, तो एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ भी डाल सकते हो, फाइल का नाम ही प्रोजेक्ट के नाम पे रख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बना लो और यहाँ पे लिख देना। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। अब उसके बाद सबसे पहला है और मेन फोकस क्या होगा तुम्हारा? हेडिंग हेडिंग। भाई नाखून बांधना मत, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, बताओ मेन फोकस क्या होगा जिसके बिहाफ पे बाकी सारी चीजें चेक होंगी? गोल्डन यू आर गवर्नमेंट एजेंसी कीवर्ड, कीवर्ड कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड्स लिख लेना। सच्ची बात है ठीक है, सब कीवर्ड लिख लेंगे। कीवर्ड लिखने के बाद बढ़िया कीवर्ड लिख लिए तुमने। ठीक है, क्लास पढ़ा रहा हूँ, चुप हो जाओ, शांति रख लो, अब बाद में आना। ठीक है, कीवर्ड लिखने के बाद अब इसी के बिहाफ पे तुम्हें यूआरएल देखना है, तुम्हें टाइटल देखना है ना, इसी की बिहाफ पे लिखना है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसी बिहाफ पे देखोगे, मेटा कीवर्ड भी, हेडिंग भी, कंटेंट भी, तो सारी चीजें इसी की बिहाफ पे देखोगे। तो सबसे पहले कीवर्ड मेन है, उसके बाद यहाँ पे लिख लो सीरियल नंबर, इसके बाद यहाँ पे लिख लो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या क्या चेक करने वाले हो। वो मैंने तुम्हें चेकलिस्ट दी है, वो कंपनी जहाँ काम करोगे वहां भी चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, यू आर एल फोटो ले रखी थी ना इनने, फोटो चेकलिस्ट की जो मैंने कहा था फोटो ले लेना, ये रही डिजिटल मार्केटिंग की चेकलिस्ट। ले भाई कोई बात नहीं, फोटो ले लो, लो। कोई नहीं रिकॉर्ड भी नहीं है रिकॉर्ड आप दे ही दो फोटो तो पुरानी क्लास में भी बहुत हो रखी है, वो तो किसी ने पुरानी देखी रहने दो नहीं। साहब पुरानी रहन दो, ये भी तो पुरानी हो जाएगी फिर, एक बार डाल दूंगा तो। ये जितनी पुरानी है सब देख, देख चुका हूँ फिर तुझे याद नहीं है, तुझे तो ये फोटो पता है। ये तो गूगल मिल जाए मेरी फिर फोटो यही तो चेकलिस्ट है, गूगल मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा। ये ऑन पेज का था, ये टेक्निकल भी है। ले निकाल फोटो। कितनी फोटो शूट हो रही है। वापस आने पर चेकलिस्ट गूगल से निकल तो जाएगी तो यहाँ से ले लेके आप गूगल जाए ऑफिस ठीक है, अब इसमें से एक एक चीज पकड़ोगे और चेक करोगे। टाइटल टैग का क्या बताया था, टाइटल टैग में क्या होना चाहिए हेडिंग देखो, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, इसमें भी कर रहा हूँ। हेडिंग टाइटल टैग है, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ चीजें मिस है। उसमें यूआरएल मिस हो गया था, इसमें यूआरएल मैंने तुम्हें बता दूंगा। टाइटल टैग में क्या होगा, सबसे पहले तो तुम्हें कीवर्ड देखना है टाइटल के अंदर है कि नहीं, और टाइटल टैग अच्छा है या नहीं वो भी पता करना है कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो चेकलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट के बाद यहाँ पे स्टेटस बनाना, उस चेकलिस्ट का स्टेटस क्या है, और यहाँ पे एसईओ रिकमेंडेशंस। ठीक है, यूआरएल जब लाओगे साइट का यूआरएल उठाओगे और यहाँ डाल दोगे, क्या हैंग हो गया क्या? ठीक है, अब ये तो होम पेज का था, इसमें तो चेंजेस तुम कर नहीं सकते, कर सकते हो बता, हो जाएंगे चेंजेस हो जाएंगे? अरे वाह, चेंजेस इतनी बड़ी खोज कर दी तूने, डोमेन चेंज कर देगा कैसे होगा? अरे हो सकते हैं भाई बाद में बता, अरे हाँ चल हम पैसे दो देते हैं ना आपके लिए है पैसे दो देते ना, हैं डोमेन ही चेंज कर देगा तो ब्रांड चेंज हो गया, तेरी साइट ही चेंज होगी। ये काम हमें सब डोमेन लगन में अब बता, कनाडा को यूके बना दूँ तो कैसा रहेगा? यूके जाएगा है जाएगा, बोल तो नहीं जाएगा जाके।
अच्छा ऐसा कह रहे हैं यार लौटे। देख भाई ये हो गया URL, अब जो आगे वाला URL होगा उसके उसको रिकमेंडेशन तुम बना के दोगे, अच्छा सा दोगे ना पक्का? अभी देखो फॉर्म हुआ तो मैं करवाता हूँ, पता लगेगा दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, URL के बाद क्या होगा फिर तुम्हारा? टाइटल। टाइटल में क्या चीज चेंज करोगे कि उसमें ब्रांडिंग कर रखी है कि नहीं, और पेज के हिसाब से टाइटल मैच हो रखा है कि नहीं, कीवर्ड उसके अंदर है या नहीं। ठीक है, पुराना टाइटल यहाँ लिखोगे और नया अच्छा वाला टाइटल यहाँ। ठीक है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइटल के बाद यहाँ निकाल फोटो, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये दोनों तो डाल दोगे। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देना पुराने वाला, सजेस्टेड यहाँ लिख देना अच्छे वाला जिसमें तुम कीवर्ड स्टफ कर सको। ठीक है, उसके बाद मेटा कीवर्ड्स में तो नॉर्मली मेटा कीवर्ड्स जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कीवर्ड डल रहे हैं तो ओके लिख देना, नहीं डल रहे तो कीवर्ड दे देना उसको, लो भाई कीवर्ड ये दे। ओके, उसके बाद अपनी चेकलिस्ट में क्या है, ये हो गया URL, URL तो हो गया, भेजू कनाडा। देख H1, H2, H3 पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो H1 हेडिंग देखनी है। अब देखो मैं तुम्हें इक्विक ऑनलाइन में दिखाता हूँ, ये करने को दिया था ना मैंने तुम्हें इक्विक ऑनलाइन, इसके अंदर जो पहला H1 है वो इतनी नीचे जाके है, कहाँ गया ये है, इतनी नीचे जाके है, तो ये सही है, टाइटल तो ऊपर होना चाहिए, है ना, ऊपर होना चाहिए। एक H1 होना जरूरी है लेकिन सही जगह पोजीशन पे होना भी जरूरी है, ताकि देखिए तुम सोचे एक है, हाँ है सही है सही है, और पूरे लास्ट में लगा रखा है एक, तो वो भी चीज सही नहीं है ना। ठीक है, तो वो चीज है, पोजीशन भी मैच होनी चाहिए, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के बिहाफ पे नीचे भी लिखा होना चाहिए, हेडिंग के हिसाब से नीचे कंटेंट होना चाहिए, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। अब ये बोलोगे सर ये तो गलती हो नहीं सकती, है ना, कि नीचे कुछ लिखा है हेडिंग ऊपर कुछ लिखी है ना, लेकिन वेबसाइट तो तुम नहीं बना रहे ना, वेबसाइट बना रहा है डेवलपर, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी थोड़ी बना के देगा, उसे जो कंटेंट मिलेगा ठाके डाल देगा, डाल दे। ठीक है, ठाके डाल देगा, करता है वो कॉपी पेस्ट, मान लो दो एक जैसे सेक्शन कॉपी पेस्ट वो थोड़ी है कोड कॉपी पेस्ट करेगा, चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे अब मान लो उसके पास बहुत सारा कंटेंट आया, बहुत सारी हेडिंग आई, तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है उससे गलती होगी, तो उसे चेक कौन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, कहाँ दे रखा है, इतने सारे क्वेश्चन है, देखो ये देख है ना, अब ये सेम एलिमेंट है, उसने किया होगा कॉपी पेस्ट, धैड़ पैड उससे मिस हो सकता है, एक दो तो मिस हो सकता है कहीं ना कहीं, कुछ भी कुछ, तो उसमें दिक्कत कौन निकालेगा, तुम लोग। ठीक है, अभी तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, फिर तुम क्या कर पाओगे सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये साइट है, ये साइट डाउन हो जाए, तब कैसे काम करोगे इस पर, काम तो रुक जाएगा तुम्हारा, वेट ही तो नहीं करना, तुम्हारा काम चलता रहना चाहिए ना मालिक, वेट नहीं करना, कंट्रोल यू करोगे, सोर्स कोड मिलेगा, कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना, यहाँ जाना, नोटपैड खोलना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना, इसे सेव कर लेना डेस्कटॉप पे ही, और नाम क्या रखोगे, जो प्रोजेक्ट का नाम है, और .html क्या, एंटर, सेव कर लोगे फाइल आ गई, अब इसको खोल लेना। ठीक है, अब जो CSS का काम है उसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो तुम जब साइट होगी तब कर लोगे, सोर्स कोड से जो काम करना है वो तुम्हारे पास ऑफलाइन अवेलेबल है, साइट डाउन होगी तो सोर्स कोड भी नहीं आएगा, लेकिन ऑफलाइन तुम्हारे पास ये चीज अवेलेबल है, हैं? और क्या, पहले करके रखना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड है ना कैसे करके रखोगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ,
पनीर लाच छुपी ऐसे इस पे चलें। ठीक है, ये आगे साइड कंट्रोल यू, इसका सोर्स कोड मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी एक साइड देखी थी मैंने जिस पे सोर्स कोड वो उठाने ही नहीं दे रही थी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट करना भी इसने बंद कर रखा है। हाँ, इनकी मर्जी है, कोई करना ही नहीं देना चाहते, इनकी मर्जी है। इनका एबीसीडी पढ़ के हमें क्या मिलेगा? हमें पिक्चर ना उठाए, बहुत कुछ मिलेगा ना। पिक्चर पिक्चर ना उठाए ना, पिक्चर क्या तो हम स्लीपिंग टूल से ऐसे उठा लेंगे। स्लीपिंग ही स्पिनिंग, कोई बात नहीं, स्लीपिंग जो भी है यार। नहीं 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 अरे कोई बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं। इधर देखो, तो अब इसे कैसे उठाएंगे? देखो कंटेंट भी कॉपी नहीं हो रहा, अब क्या करोगे मालिक? बात तो वही है, तब भी करना ही पड़ेगा तुम्हें, कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। फालतू की मेहनत क्यों करनी, इसका दूसरा सोल्यूशन निकालो ना। इसका सोर्स कोड निकालना है, कैसे निकालोगे? फोटो ले लोगे, चलो H1 पता करना है, H2 पता करना है, इमेज टैग पे होल्ड लगाए कि नहीं पता करना है, वो सब पता। अरे ले कंट्रोल यू, नहीं हो रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो कैसे होगा मालिक, आपको पता है? मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मुझे सब पता है। क्लास के एंड में बता दूंगा मैं, तब तक तुम ढूंढ लेना। अभी नहीं, पहले पढ़ा लूंगा आगे। ये तो है ना, करेंगे तो बाद में पता लगता है। और ये साइट का नाम देख लो, वेस्ट करके भी दे दो सर। अरे ना मारूंगा, देख ले जल्दी recipes.com, बस इतना लिख देना, इतना लिख लेना, हो जाएगा ना। ले लिख ले, फोन में भी खुल जाएगा, फोन में सोर्स कोड देख लेता है तू। लिख फटाफट, फिर ढूंढियो उसे बैठ के। ये मैंने भी कर रखा है, जो नई साइड बना रहा हूँ उसमें, मेरी मर्जी। क्योंकि इसमें वीडियोस डली है ना, कोई वीडियोस डाउनलोड ना कर सके। वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं ना, कैसे? कैसे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग से तो वो तो रिकॉर्ड हो सकती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं, हाँ उसको भी रोक सकते हैं सर, लेकिन नेटफ्लिक्स में रोक सकते हैं। नेटफ्लिक्स में नाम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नाम स्क्रीन रिकॉर्ड कर, उसी में कोई जुगाड़ वाले आप करते हैं ऐप में, या फिर आप और उसकी दो ऐप हैक करना पड़ेगा यार उसके लिए। ऐप हो रहा है नेटफ्लिक्स का, मिल गया। ठीक है, कर दो सर, हैक कर ले तो कर दो, पैसा लगता है। ऐसा लगता है पैसा साइड की। अरे ऐसे रिकॉर्ड कर ले कैमरा लगा, नहीं होती ही नहीं है ना आपके, वो क्यों लगा रहे हो? क्या जो मैं वो मिला हुआ है एक मारा, वो तो यूट्यूब पे, वो दूसरी दूसरी की बात कर रहा हूँ, दूसरा होगा। अब इसमें तुम्हें H1 देखना है, H2 देखना है, H3 देखना है, प्रॉपर कंटेंट वाइज होना चाहिए। कंटेंट के अंदर हेडिंग का बता दिया कि हेडिंग जो ऊपर लिखी होनी चाहिए उसी के बिहाफ पे कंटेंट नीचे होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ वहाँ लिखा है कुछ यहाँ लिखा है, तो पढ़ के तुम्हें मैच करना है। दूसरा ग्रामेटिकल एरर, वो कंसंट्रेशन तुझे मैं दिखा दूंगा ना कि तेरे नाखून में कितने कीड़े घूमते रहते हैं, तू पागल हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ तो तुम्हें ये ढूंढना है, कंटेंट वगैरह ढूंढना है। उसके बाद तुम्हारा जो इमेजेस का आता है पोर्शन, इमेजेस वाला, तो देखो यहाँ पे इमेजेस, ये तो ऑफलाइन चल रहा है, ये आया। अब जो इमेज आ रही है, मैंने क्या बताया था कि अगर इमेज का ओल्ट ना लगाओ, ठीक है, और इमेज का सोर्स ना मिले उसे, तो उसकी जगह क्या आता है? इमेज टैग है, उसमें सोर्स डाल दिया, उसमें ऑल्टरनेटिव डाल दिया, तो इमेज ऐसी आ जाएगी।
इमेज का सोर्स नहीं डाल, सोर्स गलत डाल दिया और ओल्ट टैग ओल्ट एट्रीब्यूट का वैल्यू डाली ही नहीं, तो क्या आएगा? तो ब्लैंक आ जाता है, कुछ नहीं लिखा था तो बोला क्यों नहीं? वही वही कुछ आता हुआ जब बोला ना आपने, कुछ नहीं आएगा वहां पे। आप ऐसे बोलते ना आएगा या नहीं आएगा। अच्छा क्यों बता दो? मैंने पूछा क्या आएगा बताओ, तो ब्लैंक आएगा, खाली आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो मान लो यहाँ पे इमेज है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में एक और इमेज है मान लो डाल रखी हो उसने, और उसमें ओल्ड टैग ना डाला हो और इमेज का सोर्स गलत हो गया हो, तो तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा कि इमेज का टैग है कि नहीं, है ना? तो उसके लिए तुम्हें किससे देखना पड़ेगा? उसके सोर्स कोड से देखना पड़ेगा। तो सोर्स कोड में फाइंड कर लोगे, ठीक है? पहली बात जो एच वन फाइंड आउट करोगे वो यहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, चार। हाँ तो उसमें फाइंड आउट करोगे तो यहाँ लिखोगे ना इतनी है, गलत है। एक बनाओ, कहाँ पे बनाओ? टॉप पे बनाओ, अच्छा सा बनाओ कोई। मैं आपको सिखा रहे। हाँ रिपोर्ट में बताना होता है। हर डेवलपर को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, मैं दोनों हूँ ना, तो मुझे आता है, ठीक है? उसे नहीं आता होगा तो उसे तुम्हें बताना है, ओके? उसके बाद एच टू भी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है कितनी है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लो। अगर एच टू ठीक नहीं है तो बता दो, एच टू ठीक है तो ओके लिख दो। उसके बाद एच टू के ऊपर देखो, एच वन से, एच वन के बाद एच टू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा एच थ्री लगा दिया, ये भी दिक्कत है। एच वन के बाद एच थ्री लगाया तो बोलो यूज करो एच थ्री को एज एच टू, उसे एच टू टैग में यूज करो, ऐसे मत करो, एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है? ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने इमेज का तुम्हें बता ही दिया, इमेज का क्या करना है, तुम्हें एक इमेज लिख लेना यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना इमेज, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना इमेज, इमेज क्या था, इमेज का सो इमेज का फाइल नेम, ठीक है? इमेज का फाइल नेम, एसईओ फ्रेंडली फाइल नेम, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली फाइल नेम के बाद तुम्हें लिखना है इमेज का ऑल्ट, और इसके बाद इमेज ऑल्ट एसईओ फ्रेंडली, इसमें लगेगी मेहनत, अभी पगला जाओगे तुम देखना आप जब मैं बोलूंगा ये करना है तो, ठीक है? इमेज पता लग गई, यहाँ पे इमेज का नंबर डाल देना 1 2 जितना भी डालोगे तुम, ठीक है? अब सबसे पहले इमेज फाइंड आउट करना जितनी भी है, कंट्रोल फाइंड आईएमजी, 40 इमेज है इसमें, ठीक है? लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जिसमें ये वाले एरो लगे, इसका मतलब होता है कमेंट, क्या कमेंट? तो ये कोड चलता नहीं है लेकिन कोड के अंदर रहता है, फाइल के अंदर रहता है, ये कोड चलेगा नहीं। एक मैं इमेज की फाइल का नाम भी इसमें डाल दूं ना इसके बीच में तो भी वो इमेज आएगी नहीं, वो कमेंट आउट हो जाएगी, तो वो सिर्फ टेक्स्ट रहेगी, कोड नहीं रहेगा, ठीक है? और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। हाँ ये डेवलपर के लिए होता है ताकि वो लिख सके, कोर्स का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है? और ये रहता है हरा हरा, दिख रहा है हरा हरा। अब मैं इमेज जो तुमने ढूंढी तो यहाँ देखो, यहाँ अगर मान लो ये हरा हरा दिख रहा है, अगर इसके अंदर कोई इमेज का टैग होता तो वो क्या होता, डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन अगर तुम यहाँ से ढूंढ लोगे तो तुम पता लगा 40 इमेज है, एकदम जाके लिख दोगे 40 है ना, लेकिन होगी नहीं पूरे उसमें 40। समझ में आया? अभी जो सामने दिख रहा है और जो पीछे दिख रहा है दोनों अलग है, टैग के हिसाब से 40 है। तो कैसे इसमें वाले पड़ेगा? क्या ग्रीन वाले में देखो कि कितनी इमेज है, या तो यहाँ देखो या तो डायरेक्ट तुम वहां पे जाओ साइट पे और यहाँ से ही इमेज काउंट करो कि कितनी है, जैसे 3 होगी, फिर इसके बाद कितने होगी, ये 15 होगी, ये एसवीजी है। अब एसवीजी अलग होता है, इमेज अलग होती है, एसवीजी कोड होता है पूरा का पूरा, इमेज होता है फाइल एक तरीके की। देख दिखाता हूँ,
हर चीज कोड से बनती है भाई। इमेज की कोडिंग दिखाऊं क्या? दिखाओ समझ में नहीं आएगी वो। दिखाओ। देख अभी लिखा था, देख SVG कोड, ठीक है एग्जाम्पल दिखाते हैं। कहाँ गया प्रीवियस SVG का कोड का? SVG ग्रेट एंड लिनक्स ग्रेट एंड हेलो तो रेड, ये बना रखा है ना, ठीक है ऐसा कोड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सर मैं इस ऐसा एक चीज हटाना है, सूरज बन जाएगा एक चीज हटाओ इससे क्या? अगर इमेज काम करेगी नहीं करेगी, इमेज कमेंट दिखाई करो। देगी नहीं दिखाई देगी, आधी दिखाई देगी चांद इधर, तो फिर तो ये पूरा कैसा मैं ही है, हटा जाओ बहुत ही मुश्किल है ये, नहीं हुआ तो नहीं है, मुश्किल चीज है भाई। ये तुमसे नहीं करना, तुम्हें नहीं करना ना, बोलता रहा हूं। वो कलर डालने के लिए चांद का देखा देख रहे भाई, इनको भी कॉपीराइट आएगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे इमेज फाइल नेम लिखना है। पहली बात तो जो फाइल का नेम मिलेगा तुम्हें, जहाँ यहाँ पे जाओगे इमेज में, ये फाइल का नेम मिलेगा। देखो 1.png दिख रहा है इसे खोल के देखते हैं। चलो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे गए इक्विक ऑनलाइन स्लैश पेस्ट एंटर, ये थी, ये वाली इमेज है। और ये वाली इमेज कहाँ है? अगर हम देखें ये वाली इमेज है, ये रही, तो प्लेसमेंट असिस्टेंस उस इमेज का नाम होना चाहिए था। अभी उस इमेज का नाम क्या है? 1.jpg। अरे अच्छा लग रहा है? नहीं ना, तो ऐसे नाम रखने हैं तुम्हें। तो यहाँ पे लिखना इमेज पहली वाली की 1.jpg, और इसका सजेस्टेड नेम जो तुम दोगे यहाँ पे डाल देना प्लेसमेंट, ठीक है यहाँ भाई डाल इसमें देना। शो हो रहा है, क्या नाम शो होगा ना फाइल? अबे इमेज रैंक करती है, तुझे पता है इमेजेस भी रैंक करती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देख एक क्विक ऑनलाइन डॉट इन की जगह पहले गूगल लिखना पड़ेगा, जा अब यहाँ पर सर्च करूँ एक क्विक ऑनलाइन डॉट इन, क्लासेस आ गया यार। ठीक है इसकी इमेजेस में जाऊं, मिल गई इसकी इमेजेस, ये देख ये भी थी ये भी थी ये भी थी, ये वाली भी थी ये वाली भी थी, और देखते हैं छोटी छोटी इमेज नहीं ली लेकिन बाकी इमेज। वेबसाइट हाँ से निकल के नहीं, वेबसाइट पे ही है, देख अभी इक्विक ऑनलाइन डॉट इन लिखा हुआ है इस पे। हाँ वो नहीं करा, वेबसाइट पे डाल दी तो ऑटोमेटिक इमेज शो करेगा। ऐसे तुम अभी अपनी इमेज शो करा सकते हो गूगल पे, इंडेक्स हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये भी रैंक करती है, तो इनका भी नाम अच्छे से रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसकी वजह से तुम्हारी वेबसाइट पे बंदे आ सकते हैं। सर एरर कैसे फाइंड करें, वहां तो लिखा है ना प्लेसमेंट स्टाइल वगैरह क्या नीचे स्टेटस नीचे लिखा है? इमेज में नहीं लिखा, इमेज के फाइल के नाम में, में, तो वो लिखा हुआ है जेपीएससी में, इमेज में 1.png लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा है प्लेसमेंट असिस्टेंट, हाँ मतलब ये प्लेसमेंट असिस्टेंट वाली ऊपर यहाँ वाली आना इमेज चाहिए है। था, और उसके ऑल टैग में भी आना चाहिए था। अरे ऐसे ना हो पाएगा, ऐसा करना पड़ेगा मालिक, कैसे ना हो करना पाएगा, पड़ेगा। देखो एक बार करना चाहिए, क्या मैं ऊपर डाल देता हूँ, कुछ चेंज होता है उसमें। इसमें थोड़ी चेंज कर सकते हैं यार अच्छा ये नहीं तो देख तुम, तो सकते हैं, ये तुम सजेशन दोगे ना करके, ये तुम सजेशन दोगे कि 1.jpg इसका फाइल का नाम ये होना चाहिए, इसका ईमेल टैग नन है कुछ नहीं है, इसका इमेज का ऑल्ट टैग ये होना चाहिए, और उसके में ब्रांड नेम डाल देना लास्ट में। ऐसे करके सजेशन देना पड़ेगा हर एक फाइल का जो इमेजेस की लगी हुई है हर एक। ठीक है, ये तो ये इमेज की बात। अब बात करते हैं एंकर टैग की। ठीक है एंकर टैग, अब इसमें तुम्हें एंकर टैग बताने हैं कि इंटरनल लिंक कितने हैं और एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, दो चीज बतानी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब उनमें से भी तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने लिंक है जो चल रहे हैं, ठीक है कितने लिंक है जो ब्रोकन है, और कितने लिंक है जो सेम पेज पे लेके जा रहे हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाऊं, इसमें लिंक चेक करूं मैं, AHREF कितने लिंक है?
40। अब वर्किंग में कितने है ना, वो भी ढूंढना पड़ेगा। क्यों, वर्किंग में कितने वर्किंग नहीं, देख मैं दिखाता हूँ। देख ये, देख ये कमेंट आउट है, तो ये वर्किंग में होगा क्या? आप कैसे पता लगा कमेंट आउट है? हरा हरा नहीं दिख रहा तोते नीचे वाला पे और कमेंट का पता ऐसे लगता है। देख यहाँ ऐसे स्टार्ट होगा, ये सामने बता रहा, ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे क्लोज होगा। ये नीचे वाला नहीं है ना फिर? क्या नीचे वाला वर्किंग वर्किंग में है? वर्किंग सर आपने हरे में बोला, वर्किंग में हरे में वर्किंग में नहीं है गधे। हाँ भांग भांग खा के बैठे लाल में है तुम्हें लगता है, लेकिन नहीं है वो हरे में वर्किंग में नहीं है, वो कमेंट आउट है। अरे ग्रीन मतलब यहाँ ग्रीन सिग्नल, यहाँ अलग ही सिग्नल है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी तुम्हें पता करना पड़ेगा कितने कमेंट आउट है, तो वो तुम्हें काउंट नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद बाकी लिंक वर्किंग में, ठीक है? एक ही है मतलब खराब ना, ढूंढ ऐसे करके। अभी तो कह रहे हैं काउंट नहीं करने पड़ेंगे। देख ऐसे करके ढूंढ, एक मिल गया हरा, फिर देख दूसरा कहाँ है। एक ही है मैं बता रहा हूँ, देख दूसरा मिल गया ऊपर है ना, ऊपर जा रहा है। नहीं है दूसरा, देखा बोला था यही से बता दिया, स्कैन कर दिया। ठीक है तो ऐसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद इन सारे लिंक को चेक भी करना पड़ेगा कि होम का पेज पे क्लिक कर रहे तो होम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, डेमो पे क्लिक कर रहे तो डेमो पे जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है क्यों? देखो अभी ये यहाँ पे लिंक है, देखो सब में लिंक है। ठीक है अभी फेसबुक का लिंक है ना, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? जा कहाँ रहा है? इमेज है ना ये तो? हाँ इमेज में तो कैनवा में, अरे लग तो जाएगा, लेकिन लेके जा रहा कहाँ है? अभी ये लिंक लगा हुआ है तो वेबसाइट पे, लेकिन नए टैब में। देख सर अगर आपकी ये देख वेबसाइट क्लिक करूँ यहाँ पे, देखियो एक और नई साइट खुलेगी। अच्छी बात है ना, इसका मतलब गलत बात है ऐसा? अच्छी बात, लेकिन अभी जो लेके जा रहा है जिस पे कोई लिंक नहीं है और वो न्यू टैब में खुल रहा है तो गलत है ना। तो फेसबुक पे जा रहा है तो सही था, फेसबुक पे जा रहा होता तो सही था। जो एक्सटर्नल लिंक है वो न्यू टैब में खुलना चाहिए और जो इंटरनल लिंक है वो सेम टैब में खुलना चाहिए। क्या इस वेबसाइट पे? तुम लोग इतनी दिन से विजिट करते रहते हो इस पे ठीक है। अब ये सारी चीजें तुम चेक कर लोगे, कंटेंट भी चेक करना है तुम्हें। अब ओल्ड टैग चेक करोगे तो यहाँ पे लिख देना ओल्ड टैग में वर्किंग कितने हैं, ठीक है? और जो ठीक करना आने के लिए है वो कितने हैं, ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बता देना कितने। ब्रोकन लिंक जो कहीं ना लेके जाए 404, ठीक है। अब ये सारा बताने के बाद तुम्हें देखो, उसके बाद तुम्हारा चेकलिस्ट में था ये एंकर टैग बता दिया, कीवर्ड की डेंसिटी चेक करना आता है, ठीक है। प्लैगरिज्म चेक करना आता है, स्मॉल एसईओ टूल लिख ले। फिर उसके बाद ग्रामर वगैरह चेक कर लोगे, उसी से सारी चीजें चेक कर लोगे। अब ग्रामर में कोई गलती है ना तो वो तुम ही सही करके दोगे, बता दोगे नहीं, सही करके दोगे उसे कंटेंट, तब डालेगा वो। डेवलपर को बोलोगे ना मेरा काम नहीं है, उसका काम डेवलपमेंट का है, तुम जो बोलोगे उस जगह वो डेवलप कर देगा। क्या पैसे तो बाद में देंगे ना? क्या कंपनी में जब काम करेगा तब, कंपनी में जब काम करेगा तब वहाँ पैसे देगा। अब इमेज कंप्रेशन की बात करी थी कि इमेज का साइज क्या हो, तो यहाँ पे तुम इमेज का साइज भी लिखोगे। क्या लिखोगे? इमेज का साइज, और जो ज्यादा बड़ी फाइल होगी उसे रेड में मार्क कर देना, जैसे ये 5 MB की मान लो, और उसे फिर मार्क कर देना रेड में कि भाई इसे तो ठीक कर ले भाई, मुझे नहीं पता, इसका साइज रिड्यूस कर। और रिकमेंडेड साइज डाल देना यहाँ पे कि 500 KB से लेके 50 लिखा आपने, अंधा है क्या? 800 KB तक, ठीक है।
ये है रिकमेंडेड साइज, इससे छोटा भी हो सकता है। 500 छोड़ दो, या 0 के भी कर दो, या 100 के भी कर दो, 100 से 800 तक के बीच में ले लो, या 800 तक कर लो, ठीक है? ओके, ऐसे करके तुम्हें पूरी इमेजेस की लिस्टिंग बनानी है। उसके बाद एंकर टैग का बनाना है। एंकर टैग के सारे लिंक यहाँ डालोगे, क्योंकि उसका क्या दिखाना है तुम्हें, ऑप्टिमाइजेशन। वो तो यूआरएल है ना, उस यूआरएल का भी ऑप्टिमाइजेशन करना है ना, है ना? वो भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे रिपोर्ट में, ठीक है? उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, कैनिबलाइजेशन। ये चेक कर लोगे खुद ही, क्या होता है कैनिबलाइजेशन, चेक होता क्या है? आज तू गया बता, करो कैनिबलाइजेशन क्या होता है? ये बता रहा हूँ दो सूली टंगवाता हूँ यहाँ पे, रुक यार, जाओ। वो कीवर्ड्स जब रिपीट होते हैं ज्यादा। चलो अरे बता करवा दो बता, करवा दो, वो तो कुछ और तेरे लिए होता पूरी, इसके लिए आधी बस है। बता। मैं भी बोल रहा हूँ ये कीवर्ड्स डालना, ये ना मैं भी बोल रहा हूँ। अरे यहाँ तो कुछ और होता होता है, ये बोल रहा है कीवर्ड्स रिपीट होते हैं, स्टफिंग हो गई ना, स्टफिंग हो गई। हाँ सुना तो यार, कोई नहीं सर, सिंधी लावा तो पहले पूछता हूँ, क्या बता नहीं गया उत्तम, उत्तम, क्या पता इनके ना पता। मैंने रहन दो, वहां डिस्टर्ब ना करो। बोला बोला देख कैनिबलाइजेशन में क्या होता है, वो अभी एम्प्लॉय है तो उसे रहने दो, ब्लॉक ठीक है? रिकॉर्ड। कैनिबलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक कीवर्ड सेम दो पेजेस पे हाँ यार मैंने कोई बोला था ना रिपीट ना हो, लेकिन ये नहीं बोला मेरे को। तो बात यार नहीं, आप सही से बताओ, वीडियो मैं बताऊँ देखने ना, जा अरे के। एक ही वर्ड एक ही वेबसाइट पे बार बार रिपीट ना हो रहे। अरे अरे हाँ एक यार, अरे हाँ आ गया, राम जा, ठीक स्टॉपिंग और इसमें कंफ्यूजन थी। है? उसके बाद तुम्हारा ये आता है हटाओ सीधी कर, साइट मैप। तो सबसे पहले वेबसाइट को एनालाइज करोगे, उसको एचटीएमएल वाले साइट मैप की जरूरत है या नहीं, अगर है तो डलवाओगे, नहीं है तो साइट मैप एचटीएमएल वाला जरूरत ही नहीं है, ठीक है? एक्सएमएल वाले की जरूरत है, कह सकते हैं है भी और नहीं भी। अगर तुम्हारे साइट में पेजेस ही कम है और सारे इंटरकनेक्टेड है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम डाल दोगे तो तुम्हारे बोट्स को फायदा हो जाएगा। जो बोट्स आते हैं वो क्या करेंगे, उस एक्सएमएल फाइल से डायरेक्ट यूआरएल को रीड कर लेंगे, ठीक है? वहां यूआरएल होते हैं ना, डायरेक्ट रीड कर लेंगे, उसे पेज खोल खोल के देखना नहीं पड़ेगा तुम्हारे साइट में जाके, ठीक है? उसके बाद रोबोट टीएक्सटी की फाइल, ये वाली तुम अपने डेवलपर से बोल देना, तुम्हें जो पेज बंद कराना है कि गूगल बोर्ड्स ना देखें, है? उसको बोल देना, वो कर देगा, ठीक है? उसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट में लिख देना कि मुझे ये पेज बंद कराना है, उसका लिंक दे दियो और बोल दिया रोबोट टीएक्सटी से ये पेज इंडेक्स नहीं होना चाहिए, क्रॉल नहीं होना चाहिए। पेज लोड टाइम अब इसे चेक करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो तो नेट के ऊपर है। गूगल बोर्ड्स के को उसकी दिक्कत नहीं होती, गूगल बोर्ड को नेट की दिक्कत होगी, मैं गूगल बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा उनको उनकी साइड पे होता है। हाँ उनके लिए नेट की दिक्कत होगी, यूजर के लिए होगी ना सिर्फ। तो तुम्हें गूगल बोर्ड के हिसाब से काम करना है, तुम्हें कैसी वेबसाइट दिख रही है उससे मैटर नहीं करता, गूगल को कैसी दिख रही है उससे मैटर करता है, ठीक है? वो स्क्रीनशॉट लेता है तुम्हारी वेबसाइट से। क्या माइक है, माइक है बस, कोई कोई बात नहीं। चल तो पेज लोड टाइम कहाँ से चेक करोगे, करवा कौन सी वेबसाइट है? दे गूगल बोर्ड्स को पता होना चाहिए वो तो। चेक यार। कहाँ से करोगे पेज लोड टाइम, बहुत सारे टूल्स आते हैं, गूगल ढूंढ ले और पेज स्पीड चेक कर ऐसे करके, तो उसके जो बोर्ड एरर मिलेंगे, एरर को मिलेंगे वो सारे एरर तुम अपने डेवलपर को देना कि ठीक कर भाई से, ठीक है? और कम से कम भी तुम्हारी पेज लोड की टाइमिंग होनी चाहिए 3 से 4 सेकंड में खुल जाना चाहिए। तीन चार दिन ज्यादा हो गया है, गूगल की साइड से स्पीड पे डिपेंड करता है ना। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जेएस एंड सीएसएस, तो इसका मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे के समझा देता हूँ। देखो जो तुम्हारा सोर्स कोड है, कहाँ है ये है ना सोर्स कोड, इसके अंदर सबसे पहले लोड होना चाहिए सीएसएस,
क्या लोड होना चाहिए? CSS। तुम डेवलपर को सिर्फ अपने इतना ही बोलना, सबसे पहले लोड क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, HTML। ठीक है, पहले CSS लोड हो, उसके बाद HTML लोड हो, फिर जाके JavaScript लोड हो। ठीक है, बस इतना ही बोलना है तुम। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ना सिखाऊं क्या कि पता कैसे लगेगा JavaScript का है CSS का? ये देख CSS की फाइल दिख रही है, तो ये सबसे ऊपर लगी हुई है। ठीक है, और इसके नीचे जाएगा, ये JavaScript लिख रहा है, स्क्रिप्ट लिखा रहा है, तो ये नीचे लगी है। सोर्स कोड में ढूंढेगा, लिख के यहाँ पे, यहाँ लिख दे ले, SCRAPT स्क्रिप्ट आ गया। तो आप तो डायरेक्ट खोल रहे हो ना, आप कैसे खोल रहे हो? मुझे पता है ना सारा, मुझे पता होना चाहिए। हाँ तो फिर पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आएगा। ठीक है, और HTML होना चाहिए बीच में, पहले CSS, बीच में HTML, नीचे स्क्रिप्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी पेज लोडिंग की टाइम फास्ट हो जाएगा। कैनोनिकल टैग, SSL सर्टिफिकेट तो कोई बड़ी बात नहीं, वो लग जाएगा। ठीक है, होता क्या है ये बताओ मुझे तुम। कैनोनिकल टैग बताया था, एक टैग होता है URL जो अलग अलग बन जाते हैं उसके लिए, 6-7 URL ही बन जाते हैं वेबसाइट के। तुम साले एक बागे, तू तो चीतेगा ही मेरे से, तुझे ही बोल रहा हूँ। कैनोनिकल टैग क्या होता है? सुन तो लिया तूने पूरा क्वेश्चन? यही तो क्वेश्चन था, आंसर थोड़ी बताया मैंने अभी तक। कैनोनिकल टैग क्या होता है? अभी तो बताया जाए, एक ही कीवर्ड दो तो मैं, बहुत सारे URL नहीं बन जाते, एक पेज के बहुत सारे URL बन जाते हैं, तो गूगल या सबको बताने के लिए कि मेन URL आपका कौन सा है, उसके लिए कैनोनिकल टैग लगता है। अब ये रिडायरेक्शन की बात करें तो 404 का पेज बनाना पड़ेगा, अगर कोई 404 का पेज है तो वो तो तुम एंकर टैग से पता लग जाओ लोगे कि कोई 404 का पेज है, तो पेज है तो उसका एक 404 वो बनवाओ, 404 पेज बनवाओ जिसमें हेडर फुटर होगा। ठीक है, 301-302 अगर हो रखा है तो ज़रूरी है, वरना रिडायरेक्शन ज़रूरी नहीं। उसके बाद तुम्हारा ओपन ग्राफ क्या होता है, क्या होता है? अभी तो पिटेगा, अभी ऐसे तो नहीं हो पाएगा, देखो ऐसे तो नहीं होता। जो शेयर करते हैं वहां पे व्हाट्सएप पे तो बन के नहीं आता है फोटो, वो होता है ओपन ग्राफ। ना ना ना, फोटो आ जाती है, टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है जब शेयर करते हैं, सिर्फ लिंक को। आ गया याद, लिंक शेयर करते हैं तो आराम ज्यादा आता नहीं है क्या? उसके बाद तुम्हारा है ट्विटर कार्ड, ट्विटर पे शेयर करोगे तो उसके लिए लगाना पड़ेगा। ओपन ग्राफ टैग नहीं लगाया था, स्टेटस लगाते हैं, ऐसे समझाना पड़ता है। वैसे ट्विटर कार्ड में ट्विटर पे शेयर करने के लिए तुम्हें ट्विटर कार्ड लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा दिखे। अब लास्ट तुम्हारा W3 वैलिडेशन आता है, WC3 वैलिडेशन, तो इसे चेक करने के लिए तुम जाना क्या, किसी भी साइट पर चले जाना, मतलब गूगल पे, और W3C वैलिडेशन लिख देना, यह साइट आ जाएगी, इसे खोल लेना और यहाँ पे अपने क्या करना, उसका नाम डाल देना जिस साइट को चेक करना है। आप ही बता दो, ये देखो ये चेक करके बताएगा। ये देखो डिस्क्रिप्शन का भी बता दिया इसने कि डिस्क्रिप्शन में कंटेंट नहीं है। देख W3C, डब्ल्यू थ्री सी
तो एरर भी बता देगा ये, वार्निंग भी बता देगा ये, ठीक है। तो ये सारे तुम अपने डेवलपर से सही करा लेना, उसे ये लिंक कॉपी करके दे देना, बोल ले जितने भी दिख रहे हैं ना तुझे सब सही कर दे, ठीक है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें चेक कर लोगे। अब मैं इसको यहीं बंद कर देता हूँ, इसे अपलोड कर देता हूँ, और तुम वो ढूंढो कि वहां का सोर्स कोड कैसे।